more than even having a recreation of a song, this T-Series is, you know, recreating it. That is a big thing. And Arijit Singh sir has given his voice. That is a very big thing. So very, very happy about that. Any particular incident that you would like to narrate while shooting, you know, there's such lovely songs in Russia and different locales. What do you have to say? Anything in particular would be... इनका तो डेजर्ट होएगा गर्मी में बेचारी. We had a funny experience. Fun भी कह सकते हो, painful भी कह सकते हो. We were shooting 4 AM. We went to the desert because we wanted that light and everything. So we went in Dubai. We had gone to the desert. So वहाँ पे literally हमारी लड़ाई हो गई थी because I told him if you don't give the shot, I will faint. Just do it and finish it and let's go. So that was a very memorable thing because we kept fighting only that day and it was just, we were like ki karo karo karo. It was really difficult to do that, but we also had a lot of fun because it was just like dunes and deserts and beautiful location. So that's where we started the song Sayoni. You must have seen the video, usme jo clips hai. So that was a fun day of shooting for sure. Mera sabse memorable incident rahega Russia ka, jo abhi baad mein aap BTS jab niklenge tab dekhoge. तो जो अभी आपने ट्रेलर में बॉम्ब सीक्वेंस देखा है तो वो रियल में बॉम्ब्स थे. तो जब बॉम्ब कोऑर्डिनेटर जो रशियन थे, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ बहुत था, तो ही सेड लाइक दा 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 जस्ट डू इट दिस वे दिस वे. मैं ओके, सो वी स्टार्टेड अप एंड देन सडनली वन बॉम्ब गलत फट गया था. तो तब भी हमने शूट करते रहे. जब पैकअप हुआ, जब मेकअप, क्योंकि मेरा ब्लड मेकअप भी था उस पर, तो वो ब्लड वाकई में रुक नहीं रहा था क्योंकि वो रियल में यहाँ पूरे वो जो बॉम्ब्स के आप जैसे हम देखते हैं निकलते हैं पार्टिकल्स, वो पूरे यहाँ चले गए. तो काफ़ी मतलब, और पैर में भी, हाँ, एक गाड़ी के जो नीचे लटकने वाला है वहाँ पर मेरी डॉक्टर ने दस लिटिल फिंगर रहे, तो डॉक्टर ने एक टाइम पे बोल दिया था कि लाइक वी हैव टू कट इट, क्योंकि वो लटकते रहे, वो गाड़ी उसने इंजन पूरा गर्म हो गया था नीचे एंड आई वॉज डाउन. तो वो BTS निकलेंगे, बट अब वो मेमोरेबल लगता है. उस वक्त कुछ और लग रहा था कि कहाँ फंस गए, बट आज मेमोरी. चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को थिएटर में? I'm sure now everybody should go to the theater and start ये visiting and watching films. What both of you would like to say? Well, I would like to say कि it's a biggest musical action thriller experience you will ever get. And ये बनी ही थिएटर्स के लिए थी. प्लस यूनिक, हमें सबका सपोर्ट चाहिए एंड बीइंग अ न्यू कमर्स वी डेफिनेटली नीड अ ऑडियंस सपोर्ट. सो या प्लीज थिएटर में जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बट जाइए जरूर. आई थिंक नाउ वी आर ऑल गेटिंग यूज टू द न्यू नॉर्मल. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज स्टे केयरफुल, बट ऑल्सो डोंट मिस आउट ऑन एंटरटेनमेंट. गो इन्जॉय द थिएटर एक्सपीरियंस इन द थिएटर वे. इफ़ यू वॉच अ मूवी ऑन OTT, इट डज नॉट हैव द सेम एक्सपीरियंस. हाफ द टाइम वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. एंड दिस मूवी इज अ सस्पेंस, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ अ फिल्म. यू हैव टू वॉच इट विद इंटरेस्ट. सो इफ पीपल वॉच इट इन द थिएटर, डेफिनेटली दे विल इन्जॉय इट मोर देन वॉचिंग इट एट होम. सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट एवरीबडी, बट ऑफकोर्स स्टे सेफ एंड डू इन्जॉय द फिल्म. Thank you. Thank you. Thank you.